हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एनिशेंट हिस्ट्री में चूल राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा एनिशेंट हिस्ट्री से संबंधित 21वां टॉपिक है। आप इससे पहले के टॉपिक हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सेशन की ओर। दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत का इतिहास हम दो चरणों में पढ़ते हैं। एक चरण में हम संगम काल के बारे में पढ़ते हैं और दूसरी चरण में हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं। संगम काल का टाइम पीरियड 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है, जबकि दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों का टाइम पीरियड 500 से 1200 ईस्वी के मध्य माना जाता है। संगम काल में हम मुख्यतः चेर, चूल और पांच राज्यों को पढ़ते हैं, जबकि दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में हम मुख्यतः राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव और चूल वंश के बारे में पढ़ते हैं। जहाँ पल्लव हुआ करते थे, पल्लव के पतन के बाद चूल वंश का उदय हुआ। चूल मुख्यतः तमिलनाडु के क्षेत्र में फैला हुआ था। चूल राज कहाँ फैला हुआ था? तमिलनाडु के क्षेत्र में। चूल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। चूल वंश की स्थापना विजयालय ने 9वीं शताब्दी में पल्लवों के अवशेषों पर की थी। चूल वंश की राजधानी तंजौर या तंजावर हुआ करती थी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और तंजौर के वास्तुकार राजराज पेरुथच्चन थे। चूल वंश की राजभाषा तमिल व संस्कृत थी। चूल वंश की अनेक राजधानियां थीं, जैसे पुहर, उरेऊ और गंगकोंड चोलपुरम। यह सभी आपको याद रखना है। चूल वंश के बारे में हमें जानकारी मुख्यतः इनके अभिलेखों और साहित्य से प्राप्त होती है। जैसे इस वंश के बारे में हमें जानकारी राजराजा प्रथम के तंजौर मंदिर लेख, राजराजा तृतीय के त्रिवेदीपुरम लेख और राजाधिराज प्रथम के मणिमंगलम लेख से प्राप्त होती है। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ महावंशम, कवि सैकिलार की कृति पेरियम पुराणम, बौद्ध विद्वान विश्वमित्र की कृति वीरशैलम और जैन विद्वान तृप्तदेवर की कृति जीवक चिंतामणि से इस वंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। यह है चूल वंश के शासक। सबसे पहले चूल वंश चलता है, उसके बाद चूल चालुक्य वंश का उदय होता है। चूल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। उसके बाद आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, सुंदरचूल, परांतक द्वितीय, राजा राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र और अधिराजेंद्र शासक हुए। अधिराजेंद्र के बाद चूल चालुक्य का उदय होता है, जिसको भी हम देखेंगे। इन सभी शासकों को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले हम विजयालय के बारे में पढ़ेंगे। इसका शासनकाल 850 से 871 ईस्वी के मध्य में था और यह चूल वंश का संस्थापक था। और जो विजयालय था, यह प्रारंभ में पल्लवों की सामंत हुआ करते थे। विजयालय ने अपनी राजधानी तंजौर को बनाया था और तंजौर को उसने पल्लवों के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करके बनाया था। इस विजय के बाद उसने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। जो विजयालय की प्रारंभ में राजधानी थी, वह उरेर हुआ करती थी, लेकिन विजयालय ने तंजौर को जीत लिया और वहां अपनी राजधानी बनाया था। और तंजौर में उन्होंने निशुंभ सुदनी देवी मंदिर का भी निर्माण करवाया था। विजयालय के बाद आदित्य प्रथम शासक बनता है, जिसका शासनकाल 871 से 907 ईस्वी के मध्य में था। यह चूल वंश का वास्तविक संस्थापक था और जो आदित्य प्रथम था, यह विजयालय का पुत्र था। इसने पल्लवों के अंतिम शासक अपराजित वर्मन को पराजित किया था और जीत के बाद कूदंडराम की उपाधि धारण की थी। आदित्य प्रथम ने भी तंजौर में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। आदित्य प्रथम के बाद परांतक प्रथम शासक हुआ, जिसका शासनकाल 907 से 950 ईस्वी के मध्य में था। इसने पांच राजाओं को पराजित किया था और विजय के बाद मदुरई कोंज की उपाधि धारण की थी। परांतक प्रथम ने वेलूर के युद्ध में श्रीलंका और पांच राजाओं को पराजित किया था।
पांड्य प्रथम का कृष्ण तृतीय के साथ तत्कुलम का युद्ध होता है। इस युद्ध में कृष्ण तृतीय जीत जाता है जबकि परांतक प्रथम हार जाता है। परांतक प्रथम ने तंजोर में चिदंबरम मंदिर का भी निर्माण करवाया था और इसमें स्थित नटराज प्रतिमा के ऊपर सोने की छत का निर्माण करवाया। परांतक प्रथम के बाद सुंदलचूल और परांतक द्वितीय शासक हुए, लेकिन यह उतने महत्वपूर्ण शासक नहीं थे। उसके बाद राजराजा प्रथम शासक हुआ, जिसका शासनकाल 985 से 1014 ईस्वी के मध्य में था। यह चूल वंश का सबसे प्रतापी राजा था और इसने जयकुंड, चूल मार्तंड और मुम्मादी चूल देव की उपाधि धारण की थी। राजराजा प्रथम ने अनेक विजय की थी। राजराजा प्रथम ने चीर शासकों की नौसेना को कंजयूर में पराजित किया था और विजय के बाद कंजयूर सालेक मरु की उपाधि धारण की थी। इसने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित किया और श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। इसने श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर से पोलन रुबा स्थापित की थी और राजराजा प्रथम ने पोलन रुबा का अन्य नाम जयनाथ मंगलम रख दिया था। राजराजा प्रथम ने श्रीलंका की राजधानी पोलन रुबा का अन्य नाम क्या रख दिया था? जयनाथ मंगलम। इसने पोलन रुबा में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया और शिवपाद शिखर की उपाधि धारण की थी। ऐसा कहा जाता है कि राजराजा प्रथम ने 1200 द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी और विजय के बाद दक्षिण एशिया के व्यापार पर अधिकार स्थापित कर लिया था। इसने तंजोर में राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। राजराजेश्वर शिव मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो पूर्णतः ग्रेनाइट से बना हुआ है। राजराजा प्रथम ने एक दूत मंडल भी चीन भेजा था और इसे इतिहास के लेखन की विशिष्ट कला ऐतिहासिक प्राकलन को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। राजराजा प्रथम ने भूमि सर्वेक्षण भी करवाया था और स्थानीय सुशासन की शुरुआत की थी। राजराजा प्रथम के बाद राजेंद्र प्रथम शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1014 से 1044 ईस्वी के मध्य में था। यह शैव संत ईशान शैव का शिष्य था। राजेंद्र प्रथम ने वीर राजेंद्र, गंगे कोंडचूल, पंडित चूल और मुंडी गुंडचूल की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र प्रथम ने पाल शासक महीपाल को पराजित किया और गंगई कोंडचूल की उपाधि धारण की। इसने अपने शासन के पांचवें वर्ष में महेंद्र पंचम को पराजित किया और संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। इसके अलावा राजेंद्र प्रथम ने चूल व पांड्य राजाओं को पराजित किया। पांड्य राजाओं को पराजित करने के बाद इसने अपने पुत्र राजा धीराज को पांड्य प्रदेश का शासक बनाया और उसे चूल पांड्य की उपाधि दी थी। इसने श्री विजय साम्राज्य के कुलूटुक वर्मन को पराजित किया था। राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय साम्राज्य के कुलूटिंग वर्मन को पराजित किया और वहां के मलायाप्रायटी, जावा और सुमात्रा पर विजय प्राप्त की और वहां अधिकार कर लिया। राजेंद्र प्रथम ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसने गंगईकुंड चूलपुरम नगर की स्थापना की और चूल गंगम नामक एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। इसने वैदिक साहित्य के लिए महाविद्यालय का निर्माण करवाया। राजेंद्र प्रथम के बाद राजा धीराज प्रथम शासक हुए, जिनका शासनकाल 1044 से 1052 ईस्वी के मध्य में था। यह राजेंद्र प्रथम के पुत्र थे। इन्होंने चूल, श्रीलंका व पांड्य राजाओं के संघ को नष्ट किया था। इन्होंने कल्याणी के चालुक्य पर विजय प्राप्त की थी और विजय के बाद विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। इसके साथ ही एक अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था, लेकिन बाद में कल्याणी के चालुक्यों से इनका पुनः संघर्ष होता है और कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम कूपम के युद्ध में राजा धीराज को पराजित कर देते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। इसके बाद राजेंद्र द्वितीय शासक हुए। यह राजा धीराज प्रथम के छोटे भाई थे। इन्होंने चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम के साथ
कूजम संगमम का युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में राजेंद्र द्वितीय जीत जाते हैं जबकि सोमेश्वर प्रथम की पराजय होती है, और इस युद्ध का नाम क्या था? कूजम संगमम का युद्ध। इस हार से परेशान होकर सोमेश्वर प्रथम ने तुंगभद्र नदी में आत्महत्या कर ली, और राजेंद्र द्वितीय ने विजय के बाद कोल्हापुर में एक जय स्तंभ का निर्माण करवाया था, और विजय के बाद इन्होंने बांच प्राकेशरी की उपाधि धारण की थी। ये सभी आपको कूजम संगमम के युद्ध के बाद में याद रखना है। इसके बाद वीर राजेंद्र शासक हुए, जिनका शासनकाल 1062 से 1067 ईस्वी की मध्य में था। यह राजेंद्र द्वितीय के छोटे भाई थे। इन्होंने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। इनका युद्ध कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर द्वितीय के साथ होता है, जिस युद्ध में वीर राजेंद्र जीत जाते हैं जबकि सोमेश्वर द्वितीय हार जाते हैं। विजय के बाद इन्होंने भी एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। आगे चलकर कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर द्वितीय के भाई विक्रमादित्य छत्तम के साथ यह अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। कौन? वीर राजेंद्र अपनी पुत्री का विवाह विक्रमादित्य षष्ठम के साथ कर देते हैं, जो कि सोमेश्वर द्वितीय के छोटे भाई थे। इसके बाद अधिराजेंद्र शासक हुए, जिनका शासनकाल 1067 से 1070 ईस्वी के मध्य में था। अधिराजेंद्र को विजयालय के द्वारा स्थापित चूल साम्राज्य का अंतिम शासक माना जाता है। इनकी जैन विद्रोह में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद चूल चालुक्य वंश का उदय होता है। यह कैसे हुआ था? पूर्वी चालुक्य की रानी मधुरांतिका और चूलों के शासक राजेंद्र द्वितीय के विवाह के उपरांत चूल चालुक्य वंश का उदय हुआ था। यह है चूल चालुक्य वंश के शासक। चूल चालुक्य वंश का प्रथम शासक कुलोत्तिंग प्रथम माना जाता है। इसके बाद विक्रम चूल, कुलोत्तिंग द्वितीय, राजराजा द्वितीय, राजाधिराज द्वितीय, कुलोत्तिंग तृतीय, राजाधिराज तृतीय और राजेंद्र तृतीय शासक हुए। इन सभी के बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। कुलोत्तिंग प्रथम का शासनकाल 1070 से 1120 ईस्वी के मध्य में था। कुलोत्तिंग प्रथम की माता का नाम अमनगा देवी था, जो चूल वंश की थी, जबकि पिता का नाम राजराज नरेंद्र था, जो कि वेंगी के चालुक्य वंश से शासक थे। कुलोत्तिंग प्रथम ने कटिकंद चूल और मलयकुंड चूलन की उपाधि धारण की थी। इनकी दरबारी कवि का नाम जयंगूदर था, जिन्होंने कलिंगतुपर्णी ग्रंथ की रचना की थी। कुलोत्तिंग प्रथम ने कलचुरी राजा यशकर्ण और कलिंग राजा अनंत वर्मन को पराजित किया था। कुलोत्तिंग प्रथम ने यशकर्ण और कलिंग राजा अनंत वर्मन को पराजित किया था। इन्होंने एक दूत मंडल भी चीन भेजा था, और भू राजस्व निर्धारण हेतु इन्होंने भूमि सर्वेक्षण करवाया था। इन्होंने चुंगियों व टटों करों को समाप्त कर दिया था, और इस कर को समाप्त करने के बाद सुगमंत व्रत की उपाधि धारण की थी। इन्हीं के समय में श्रीलंका के राजा विजयबाहु ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। इसके बाद विक्रम चूल शासक हुए, जिनका शासनकाल 1120 से 1133 ईस्वी के मध्य में था। यह कुलोत्तिंग प्रथम के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने चिदंबरम में स्थित नटराज मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि विक्रम चूल ने गोविंदपुरम मंदिर में स्थित वैष्णव मूर्ति को समुद्र में फकवा दिया था, इस कारण इन्हें त्याग समुद्र की उपाधि मिली थी। इसके बाद कुलोत्तिंग द्वितीय शासक हुए, जो कि विक्रम चूल के पुत्र थे। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है कि कुलोत्तिंग द्वितीय ने उस मूर्ति को समुद्र में फेंकवाया था, यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद राजराजा द्वितीय शासक हुए, जिनका शासनकाल 1150 से 1173 ईस्वी की मध्य में था। इनके समय में चारों ओर शक्तिशाली सामंत का उदय हुआ था। राजराज द्वितीय के बाद राजाधिराज द्वितीय शासक हुए, जिनका शासनकाल 1173 से 1182 ईस्वी की मध्य में था। इन्हीं के समय में पांड्य शासक कुलशेखर और वीर पांड्य के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, जिसमें राजाधिराज द्वितीय वीर पांड्य का साथ देते हैं। आगे चलकर पांड्य वंश के शासक वीर पांड्य बन जाते हैं।
इसके बाद कुलोत्तुंग तृतीय शासक हुए, जिनका शासनकाल 1182 से 1216 ईस्वी के मध्य में था। यह चूल वंश के अंतिम महान शासक थे। इन्हें पांच शासक वीरपांड को पराजित किया था। इन्होंने पांच शासक वीरपांड को पराजित किया, लेकिन आगे चलकर पांच शासक जटावर्मन कुलशेखर ने इन्हें बुरी तरह पराजित कर दिया। कुलोत्तुंग तृतीय के बाद राजाधिराज तृतीय शासक हुए, जिनका शासनकाल 1216 से 1250 ईस्वी के मध्य में था। यह एक कमजोर व अयोग्य शासक थे। पांच शासक सुंदर ने इन्हें बंदी बना लिया। इसके बाद राजेंद्र तृतीय शासक हुए, जिनका शासनकाल 1250 से 1279 ईस्वी के मध्य में था। यह चूल वंश के अंतिम शासक थे। इसके बाद चूल राज्य का विलय पांड राज्य में हो जाता है। अब हम चूलकालीन शासन व उस चूल काल में हुए प्रमुख युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। चूलकालीन शासन में हम चूलकालीन भूमि, कर, प्रशासन, उस समय की महत्वपूर्ण सभाएं और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे। चूल काल में भूमि के अनेक प्रकार होते थे, जैसे राजा के स्वामित्व में रहने वाली भूमि प्रभु मान्यम कहलाती थी। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहते थे। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को वेलनबाई कहा जाता था, और उस समय ब्राह्मणों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि को चतुर्वेद मंगलम कहा जाता था। चूल काल में मंदिरों को दान में दी गई भूमि को देवदान और विद्यालय की रख रखाव की भूमि को सालाभू कहा जाता था। इसके अलावा जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को पल्ली चंदम कहा जाता था। यह थे चूलकालीन भूमि के प्रकार। अब हम चूलकालीन कर को देखेंगे। उस समय राजस्व कर को आयाम, सुपारी कर को कडमई, गृह कर को मनैयर, व्यापारिक कर को कडैयर, लगान कर को कुदमी, द्वार कर को वासालीतरम और नर पशुधन कर को किडाक्षु कहा जाता था। चूलकालीन प्रशासन। चूलकाल सदा राजा के पास रहने वाले अधिकारी को उस समय उदयन भूजन कहा जाता था। जो सदा राजा के पास अधिकारी रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उदयन भूजन। चूल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारी को पेरुंदरम और निम्न अधिकारी को सिरिंदरम कहा जाता था। संपूर्ण चूल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। संपूर्ण चूल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? 6 प्रांतों में, और प्रांतों को मंडलम भी कहा जाता था। मंडलम कोटम में विभाजित था, और कोटम नाडु में विभाजित था, और नाडु कुरमई में विभाजित था। अब हम चूलकालीन सभाओं के बारे में पढ़ेंगे। चूल शासन की मुख्य विशेषता स्थानीय प्रशासन थी, और इस प्रशासन में सभाएं आयोजित होती थी। जैसे नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर, नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहते थे। अग्रहारों व ब्राह्मणों की सभा जो होती थी उसे महासभा कहा जाता था, और इसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। व्यापारियों की सभा को नगरम और सर्वसाधारण लोगों की सभा को और कहा जाता था। इसके अलावा चूल साम्राज्य से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य उनको भी देख लेते हैं। जैसे तमिल साहित्य का त्रिरत्न किसे कहा जाता है? तमिल साहित्य का त्रिरत्न कम्बन, पुगलैंडी और ओटुकुट्टन को कहा जाता है। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न हैं पंप, पोन और रन। चूल काल में सोने के सिक्के को कलंजू कहा जाता था, और चूल काल में सबसे संगठित अंग इनकी पदाती सेना हुआ करती थी, अर्थात पैदल सेना। चूल काल में भूमिकर 1/3 होता था। चूल काल में भूमिकर कितना होता था? 1/3। जो गांव में कार समिति के सदस्य वेतनभोगी सदस्य होते थे उन्हें मध्यस्थ कहा जाता था। चूल काल में गांव में कार समिति के वेतनभोगी सदस्य को मध्यस्थ कहा जाता था, और उस समय बहुत बड़ा गांव जो इकाई के रूप में शासित था वह तनियर था। उस समय सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। चूलकालीन कांस्य प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में मानी जाती है।
जिसे नटराज प्रतिमा के रूप में भी जाना जाता है। चूल काल में सड़कों की देखभाल भगवान समिति करती थी और इस काल में वस्तुओं का आदान प्रदान करने का मुख्य आधार धान था। अब हम चूलकालीन युद्ध के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे मणिमंगलम का युद्ध नरसिंह वर्मन प्रथम के बीच और पुलकेशन द्वितीय के बीच हुआ था, जिसमें नरसिंह वर्मन प्रथम जीत जाते हैं। कूकम का युद्ध राजाधिराज और सोमेश्वर प्रथम के बीच होता है, जिसमें राजाधिराज पहले हार जाते हैं। फिर उसके बाद कूपम का युद्ध फिर होता है, जो राजेंद्र द्वितीय और सोमेश्वर द्वितीय के बीच होता है, जिसमें राजेंद्र द्वितीय जीत जाते हैं। कुडल संगमम का युद्ध राजेंद्र द्वितीय और सोमेश्वर प्रथम के बीच होता है। कुडल संगमम का पहला युद्ध किसके बीच होता है? राजेंद्र द्वितीय और सोमेश्वर प्रथम के बीच, जिसमें राजेंद्र द्वितीय जीत जाते हैं। कुडल संगमम का द्वितीय युद्ध चूल शासक वीर राजेंद्र और कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर द्वितीय के बीच हुआ था, जिसमें वीर राजेंद्र जीत जाते हैं। बेलूर का युद्ध चूल शासक परांतक प्रथम और पांच शासक राज सिंह द्वितीय के बीच हुआ था, जिसमें परांतक द्वितीय जीत जाते हैं। तत्कुलम का प्रथम युद्ध राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय और परांतक प्रथम के बीच हुआ था, जिसमें कृष्ण द्वितीय जीत जाते हैं। इसके बाद तत्कुलम का द्वितीय युद्ध पांड शासक वीरपांड और चूल शासक गंडादार गंडरादित्य के बीच हुआ था, जिसमें वीरपांड जीत जाते हैं। इसके बाद चैबूर का युद्ध हुआ था, यह परांतक द्वितीय और बींडपांड के बीच हुआ था, जिसमें परांतक द्वितीय जीत जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।